अपर बॉडी स्पेशली एल्बोज शोल्डर्स में इतनी ताकत बढ़ सकती है कि आप 16 पाउंड की शॉर्ट पुट पर आसानी से ग्रिप और बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। आपकी जो मसल्स की टाइटनेस स्टिफनेस होती है वो खुल जाती है। वे गलती क्या करते हैं कि शॉर्ट पुट फिजिकल की तारीख तक कंटिन्यू वर्कआउट करते रहते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में शॉर्ट पुट थ्रो की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट लड़कों के लिए मैक्सिमम 27 फीट होती है। अगर आप 27 फीट गोला फेंकना चाहते हैं तो आपको डिप्स ऑन बेंच अथवा डिप्स ऑन बार एक्सरसाइज को करना पड़ेगा। कलाइयों, हाथ और बाइसेप्स ट्राइसेप्स में शक्ति बढ़ाने के लिए आप यह एक्सरसाइज करें, यानी हफ्ते में 2-3 बार यह एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपकी अपर बॉडी पावर बढ़ेगी, अंगुलियों का पावर बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका शॉर्ट पुट थ्रो 100% बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में यह डाउट चल रहा है कि मैं डिप्स नहीं कर सकता तो दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2-3 बार केवल बेसिक पुश अप कर लीजिए या फिर इस तरह चेस्ट जंप एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे भी आपकी शॉर्ट पुट थ्रो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, साथ ही साथ गोला फेंक के लिए आपके अपर बॉडी का पावर 100% इंक्रीज होगा। यह लटकने वाली एक्सरसाइज शॉर्ट पुट गोला फेंकने वालों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि गोले को दूर तक फेंकने के लिए फिंगर्स, एल्बो और रिस्ट मसल्स, कॉलर बोन और कलाइयों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इन्हीं मसल्स में बढ़ती है। आपकी हाइट अगर थोड़ी बहुत कम है तो अपनी हाइट को भी इस एक्सरसाइज से आप बढ़ा सकते हैं। इसे करने के लिए केवल किसी चीज़ पर सिर्फ इस तरह लटकना होता है या किसी पेड़ पर लटक कर इस एक्सरसाइज को इस तरह किया जा सकता है या फिर किसी पाइप या पुल अप बार पर भी इसे किया जा सकता है। स्टार्टिंग में केवल 20 सेकंड के लिए इस एक्सरसाइज को करें, फिर प्रैक्टिस होने पर रेप्स बढ़ाएं। हफ्ते में केवल 2-3 बार इस एक्सरसाइज को करने पर बेस्ट रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। यह स्टैंडिंग केटल बेल प्रेस एक्सरसाइज शोल्डर्स, हाथों की हथेलियों, अंगुलियों में स्ट्रेंथ और शॉर्ट पुट थ्रो कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है। जब आप इस तरह शॉर्ट पुट थ्रो करते हो तो उस दौरान यह एक्सरसाइज आपके बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करती है। इस एक्सरसाइज में केटल बेल को ऊपर नीचे करें जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर बताया गया है। रेगुलर बेसिस पर इस सिंपल एक्सरसाइज को करने पर अपर बॉडी स्पेशली एल्बोज शोल्डर्स में इतनी ताकत बढ़ सकती है कि आप 16 पाउंड की शॉर्ट पुट पर आसानी से ग्रिप और बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कितनी देर करना है तो स्टार्टिंग 30 सेकेंड से करें, फिर रेप्स बढ़ाएं। आप अपनी गोला फेंक शॉर्ट पुट स्पीड और डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, पैरों में बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 180 जंप एक्सरसाइज करना जरूरी है। इस एक्सरसाइज को सिंपली इस तरह किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज को क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इससे आपकी टांगे स्ट्रोंग बन जाएगी और जब आप इस तरह गोला फेंकते हैं उस समय आपका बॉडी बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और वह बैलेंस आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको शॉर्ट पुट थ्रो में इस तरह गिरने का डर नहीं रहेगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से बॉडी बैलेंस आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी शॉर्ट पुट डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार इस एक्सरसाइज को करें, लेकिन इसकी शुरुआत धीरे से करें और शुरुआत में केवल 20 सेकेंड तक करें, फिर रेप्स बढ़ाएं तो इससे आपकी लेग्स पावर इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपका बॉडी बैलेंस भी इंक्रीज होगा। यह टिप इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है। तो शॉर्ट पुट गोला फेंक वर्कआउट के दौरान कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है अथवा कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपका जो 16 पाउंड का गोला है वो कम से कम 27 फीट आप आराम से फेंक दें।
तो दोस्तों शॉट पुट गोला फेंक ट्रेनिंग से ठीक पहले बहुत जरूरी है बॉडी को वार्म अप करना। उसी के लिए बहुत जरूरी है कि शॉट पुट ट्रेनिंग के ठीक बाद या शॉट पुट वर्कआउट के ठीक बाद आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स की टाइटनेस स्टिफनेस होती है वो खुल जाती है, पूरी तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बॉडी में जो पेन होता है वो खत्म हो जाता है। तो अच्छा यही रहेगा कि रोजाना वर्कआउट को फिनिश करने के बाद आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में एड ऑन करें ताकि आपकी बॉडी में जो पेन है वो चला जाए और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए नेक्स्ट दिन आप अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। बहुत से बंदे नए हैं यानी बिगिनर्स हैं, वे गलती क्या करते हैं कि शॉर्ट फुट फिजिकल की तारीख तक कंटिन्यू वर्कआउट करते रहते हैं, जिससे उनकी बॉडी का टायर्डनेस है वो बरकरार रहता है, जिससे फिजिकल टेस्ट वाले दिन वो थक जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह गलती नहीं करनी है, फिजिकल वाले दिन से दो दिन पहले आपको प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना है, किसी भी तरह का वर्कआउट वगैरह नहीं करना है और उसी दौरान भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है, अच्छी डाइट भी लेना है। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपकी जो बॉडी है वो फिजिकल वाले दिन फ्री फ्री चलेगी, बॉडी आपकी बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी और जिससे आप शॉर्ट पुट को उम्मीद से ज्यादा दूर तक फेंक कर सफलता प्राप्त कर सकोगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों।